आपसे ही सीखा हमने, आपसे ही जाना, आपको हमने गुरु है माना, सीखा है सब कुछ आपसे हमने, कलम का महत्व आपसे पहचाना। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम। आज शिक्षक दिवस के सेलिब्रेशन में मैं भारती, मैं हिमांशी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर की स्तुति की जाती है। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसी के साथ बुलाते हैं रेणु को उनके गणेश वंदना के साथ। प्रतिभा पांडे आपके समक्ष हूँ शिक्षक दिवस के विषय में एक छोटे से भाषण के साथ। माननीय मुख्य प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक वर्ग और मेरे प्यारे सभी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब शिक्षक दिवस का जश्न मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज मैं आपको शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर शिक्षक के महत्व पर छोटी सी स्पीच देने जा रही हूँ। कृपया आप मेरी स्पीच ध्यानपूर्वक सुनेंगे। माता पिता की मूरत है मेरे गुरु, माता पिता की मूरत है मेरे गुरु, इस कलयुग में ईश्वर की सूरत है मेरे गुरु। हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का उत्सव मनाते हैं। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले एक महान प्रतिष्ठित शिक्षक थे, इसलिए उनका जन्मदिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीने की कला सिखाते शिक्षक।
ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक, किताबों के पढ़ने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। शिक्षक दिवस हमारे देश के शिक्षकों के प्रति सम्मान करने के लिए यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर उजाला देता है। छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे माता पिता हमें देश का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए पाठशाला भेजते हैं। हालांकि हमारे शिक्षक हमारे पूरे भविष्य को उज्जवल और सफल बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। शिक्षक छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मेहनत अपने छात्रों पर करते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। शिक्षक हमारे अंदर की आग को एक दिव्य ज्योति के रूप में उजागर करते हैं। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचने का रखते हैं जो हुनर ऐसे शिक्षकों को हम दिल से सलाम करते हैं। धन्यवाद। ये ज्ञान तो मिल गया कि हम टीचर्स डे मनाते क्यों हैं। हाँ अच्छा हिमांशी, तुम्हें पता है कि हमारे टीचर्स इतनी कठिन परिस्थितियों में हमें पढ़ाना नहीं भूले। हाँ भारती, ये बात तो तुमने सही कही। इन लोगों ने इतनी मेहनत करके हमें ऑनलाइन क्लासेस देना सीखा है। Oh,
डाली है, तभी तो डाइट इनकी जिम्मेदारी है। हर किसी के लिए सिर्फ इनका नाम ही काफी है। ये यादव सर है हमारे, इनकी बात ही निराली है। अब बात करते हैं उनकी। हाँ उनकी, जो कि ओहदे में है सबसे बड़ी, रहती सबसे ज्यादा बिजी प्रिंसिपल है हमारी। नाम है उनका अनामिका सिंह। अच्छा तो अब बात करते हैं उनकी। किन की? हमारे फेवरेट सब्जेक्ट की। ओ हिंदी। हाँ हिंदी। यति गति आरोह अवरोह की देवी है कहलाती, तभी तो भावना मैम हमारी सबको भाती। यार हिमांशी, जब ये टीचर्स भर भर के होमवर्क देते तो बड़ा गुस्सा आता था। हाँ पता है, मैंने तो बहुत कम ही होमवर्क किया है, पर अब इस लॉकडाउन में इतनी याद आई है होमवर्क की कि जैसे उसी में प्राण बस गए हों। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाते हैं सृष्टि को उनकी प्रस्तुति के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं सृष्टि शर्मा द्वितीय वर्ष छात्रा आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ संस्कृत के कुछ श्लोक लेकर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिसने ज्ञान के अंजन रूपी शलाका से अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए लोगों की आंखें खोली, उन गुरु श्रेष्ठ को नमस्कार है। गुकारस्तु वंधकारस्तु रुकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरु रित्यभिधीयते। अर्थात गुरु शब्द में गु शब्द का अर्थ है अंधकार तथा रु शब्द का अर्थ है तेज। अतः जो ज्ञान रूपी प्रकाश से अंधकार का निरोध कराता है वही गुरु कहा जाता है। एकम अपि अक्षरम यस्तु गुरु शिष्ये निवेदयेत पृथ्व्यां नास्ति तद्रव्यम यद दत्त्वा हि अरणी भवेत। अर्थात गुरु के द्वारा शिष्य को ज्ञान रूप में दिए गए एक अक्षर के बदले पृथ्वी पर ऐसा कोई भी द्रव्य या धन नहीं है जिसे देकर गुरु के ऋण से शिष्य मुक्त हो सके। निवर्तयति अन्य जनम प्रमादतः स्वयं च निष्पाप पथेह प्रवर्तते तत्त्वं हितं इच्छु अंगिनाम शिवार्थिनाम यह सह गुरुः निगद्यते। अर्थात जो अन्य जनों दूसरों को प्रमाद करने से रोकते हैं, स्वयं निष्पाप पथ पर चलते हैं, हित और शिव अर्थात कल्याण के इच्छुक व्यक्तियों को तत्व का ज्ञान कराते हैं, वही गुरु कहलाते हैं। प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवे स्मृतः। प्रेरक अर्थात प्रेरणा देने वाले, सूचक अर्थात सूचना देने वाले, वाचक अर्थात सत्य बताने वाले, दर्शक दर्शन कराने वाले, शिक्षक शिक्षा देने वाले एवं बोधक बोध अर्थात ज्ञान कराने वाले, ये सभी छह व्यक्ति गुरु जाने जाते हैं। विद्वत्त्वं दक्षताशीलं संक्रांतिः अनुशीलनम् शिक्षकस्य गुणा सप्त सचेतस्त्वं प्रसन्नताः। अर्थात विद्वत्व विद्वान होना, दक्षता अर्थात निपुण, शील, संक्रांति अर्थात गुणों का मेल कराने वाले, अनुशीलन सतत अभ्यास करने वाले, सचेत एवं प्रसन्नता, ये सात शिक्षण के गुण पाए जाते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सभी गुरुजनों को सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद। टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज मुझे इसी वीडियो में दिखा है। हाँ, तो बात करते हैं उनकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी से है इनका नाता। सब इनका पढ़ाना सबको है भाता। फेशियल एक्सप्रेशंस की क्वीन है कहलाती। बातों बातों में सब कुछ है सिखा जाती। तभी तो ये हमारी दिव्या मैम है कहलाती। भारती, आज तो तुम बहुत तैयार होके आई हो। तुम भी तो तैयार होकर आई हो। ओ हाँ, ये तो है। तैयार होने में और अच्छा दिखने में उनका नहीं है कोई जवाब। खूबसूरती है इनकी कमाल, ड्रेसिंग सेंस में इनका कोई नहीं जवाब। SST से है इन्हें बहुत प्यार, हिमानी मैम है उनका नाम। तो अब बात करते हैं उनकी जिनका प्यारा सा चेहरा, क्यूट सी स्माइल, कविता वाचन करने में इनका अलग ही है स्टाइल। नाम है उनका अनामिका रोहिला मैम। अच्छा, तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ, बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ बुलाते हैं ऋतु और आरती दहिया को उनकी परफॉर्मेंस के साथ। मैं आरती उपस्थित हूँ आपके समक्ष अध्यापक दिवस के उपलक्ष में एक कविता के साथ। आइए मैं शुरू करती हूँ अपनी कविता कुछ इस प्रकार। कोई करता था हाई स्कूल, कोई करता था वा स्कूल, किसी को था डर टीचर की डांट का, तो किसी को था किसी के टेस्ट का। पर ये डर दोस्तों की मस्ती के सामने कहीं छुप सा जाया करता था, और हंसते खिलखिलाते हुए स्कूल की ओर कदम बढ़ाया करता था। पर वो दिन भी क्या दिन थे, स्कूल में जाकर दोस्तों से मिलना, बहुत सी बातें करना, और हर एक लेक्चर पर एक नए टीचर का इंतज़ार करना। ये इंतज़ार, ये डांट स्कूल तक ही नहीं सीमित रहा, ये कहीं ना कहीं हर जगह हर मोड़ पर हमारे साथ चलता रहा। आज हम अपनी डाइट के शुभ्रम में उपस्थित हैं इसी डांट टीचर के प्यार के साथ। टीचर की डांट, टीचर का प्यार, मानो जैसे हमारे पूरे दिन में एक जान डाल देता है। याद है मुझे वो पल जब JP सर ने मुझे कामना को लेट आने पर बाहर निकाला था, और यादव सर ने हमें खूब समझाया था। वो पल भी क्या पल थे, शुरू में डरती थी मैं, मन नहीं करता था मेरा कि मैं डाइट जाऊं, क्योंकि ये सपना मेरा नहीं था। हाँ, टीचर बनने का, डाइट जाने का, ये सपना मेरा नहीं था। पर धीरे धीरे डाइट मानो जैसे मेरा दूसरा घर ही बन गया। वो सुबह की असेंबली और यादव सर की डेली की इंस्ट्रक्शंस, फिर क्लासेस का लगना और टीचर के सामने बैठने के लिए दौड़ कर कक्षा में जाना। हाँ, कभी मन नहीं हुआ तो पीछे बैठ जाया करते थे हम, फोन का यूज़ भी बहुत किया करते थे हम, पर टीचर तो टीचर है, उससे कहाँ छुपा करते थे हम। फिर ब्रेक टाइम में जिम एरिया में जाना मानो हमारे ईयर की एक आदत सी बन गई थी, और हमारे सीनियर्स की आदत बन गई ये पूछना कि जिम एरिया में ऐसा क्या है जो तुम फ्री टाइम होते ही कैंटीन छोड़कर जिम एरिया में चले जाया करते हो। तो हमने भी उन्हें समझाया, जिम एरिया तो सुकून, शांति, मस्ती करने का एक जरिया है, एक डाइट का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा सुकून, शांति मिलती है। सबसे यादगार पल तो जब आता था
जब बजती थी क्लब टाइम की घंटी और क्लब में जाकर करते थे हम मस्ती। वो अलग अलग फंक्शंस के लिए दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी करना, मुझे वो हर पल याद है जो मैंने डाइट में बिताए। वो फाउंडेशन डे, वो फेयरवेल की तैयारियाँ, टीचर्स डे, हर पल याद है मुझे जो मैंने डाइट में बिताए। और जिस डाइट में कभी मुझे जाना पसंद नहीं था और जिस डाइट में मुझे कभी जाना पसंद नहीं था, आज उसी डाइट में जाने को बेचैन हूँ मैं, क्योंकि अपने घर पर जाने के लिए हर पंछी फड़फड़ाता है और डाइट हमारे लिए हमारा घर ही है। आई रियली मिस यू ऑल फैकल्टी एंड डाइट एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे। हिमांशी, तुमने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक्स वापस कर दी? अरे कहाँ, लॉकडाउन लग गया उसके चक्कर में मैं डाइट गई नहीं और लाइब्रेरी में बुक वापस की नहीं। लाइब्रेरी से याद आया, किताबों से दोस्ती सबसे अच्छी कहलाती। तभी तो मधु मैम हमारी लाइब्रेरियन कहलाती। अच्छा भारती, तुमने इस लॉकडाउन में कोई हैंडमेड चीज बनाई? नहीं यार, मैंने तो नहीं बनाई, तुमने बनाई? मैंने तो बनाया पेन स्टैंड। अच्छा, गार्डनिंग, साफ सफाई, पेन स्टैंड, ये सब भी बनवाएंगी? वो सरोज मैम है हमारी, वो पोर्टफोलियो भी बनवाएंगी। भारती, मुझे एक बात की बहुत चिंता है। किस बात की? हमारा स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होगा भी कि नहीं? हाँ यार, पिछली बार का तो बहुत अच्छा गया था। पता नहीं इस बार इस लॉकडाउन के चक्कर में, ये कोरोना के चक्कर में हमारा SEP होगा भी या नहीं। SEP से याद आया, रूप है उनका सबसे प्यारा, प्यार का समुंदर इनमें है समाया, तभी तो सोनिया मैम को हमने है अपनाया। अच्छा सुनो, पोएम भी हो गई, सॉन्ग भी हो गया, कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। हाँ, डांस के बिना तो सब कुछ इनकम्प्लीट लगता है, तो एक डांस परफॉर्मेंस हो जाए। हाँ क्यों नहीं, तो बुलाते हैं आरती भैया को उनकी परफॉर्मेंस के साथ। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी। ब्रह्मा गुरु विष्णु आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे, एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहाँ में अपनी खुशी रे। दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे। सब्जेक्ट था जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था? यार मैथ,
तो मुझे भी नहीं पसंद था। मुझे मैथ्स तो क्या, अमित सर से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। अरे यार वो अमित सर वो तो मस्त मौला मिजाज हैं, सबसे अलग अंदाज हैं। पर जरा बच के रहिएगा, फर्स्ट ईयर हमारे अमित सर हैं वो तूफानों के भंडार हैं। पर इस कोरोना काल में ना सबसे ज्यादा यूज टेक्नोलॉजी का हुआ है। ये बात तो तुमने सही कही, टेक्नोलॉजी शब्द आते ही सबको अजय सर की याद है आती, पर्सनैलिटी इनकी सबको है भाती। डाइट के कलाकार हैं कहलाते, भाषा में भी मिठास है लाते, कला का भंडार है इनमें, तभी तो राजदेव सर कला का शिक्षण है कराते। Hello, dear all. It gives me immense pleasure to greet and wish you and your family on the occasion of the Teachers' Day. I'm very proud to be the principal of this wonderful institution. It is a privilege for me to work with our students, our staff, and our families to make our institution the very best it can be. My aim is to lead our KPNs to enable us to work together to achieve our goals. We at Diet KP aims to create a safe, nurturing, yet challenging environment that is built on positive relationship, developing the whole student emotionally, socially, and academically. We care for and appreciate all our students as a unique individual that they are, each with distinct talent, interests, and needs, and each with different learning styles. At Diet KP, we celebrate Teachers' Day every year because we value you and deeply appreciate your commitment to teaching profession. Teaching is one of the noblest profession in the world. I personally believe there's no substitution to quality education because it helps in changing the life of thousands of individuals and their families forever. More importantly, it is most critical to the growth of the developing nation like India. This is precisely said, the idea behind the tagline, we built a better nation through quality education. In Diet KP, we provide an appealing and stimulating teaching environment that is flexible and tailored to the needs of each and every student as we strive for the higher educational outcome and personal best for all our students. A passionate faculty ensures our students grow in confidence and capabilities and develop the skills for the rapidly changing 21st century living. Engaging learning programs that cater for individual differences and learning styles are devised and delivered by a skilled and talented and dedicated faculty. We use innovative techniques, rich resources, proven instructional strategies and engaging programs to promote students' learning. We develop a great sense of curious, inquiring, and discriminating mind, a desire for knowledge, and a set of skills linguistically, mathematically, scientifically, artistically, physically, emotionally, and socially. I wish to take this opportunity to thank all KPMs for your invaluable contribution to the institution over the years. I would also like to pay a sense of gratitude to my own teachers for their contribution in my life, in what I am today. Once again, I would like to wish each one of you a very happy Teachers' Day. May God bless you with the strength to achieve greater personal and professional goals in the years to come. We look forward to meeting you soon. Hope your day is diamond. Namaskar sabhi ko. शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। कल ही सेकेंड ईयर के ट्रेनीज़ का मुझे कॉल आया कि मैडम एक मोटिवेशनल वीडियो आप रिकॉर्ड करके भेजें। तो फ्यू डेज बैक आई केम अक्रॉस स्टोरी जिसके थ्रू मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज लाइफ के लिए देना चाह रही हूँ। सो दैट स्टोरी वॉज लाइक कि एक आदमी जॉगिंग के लिए गया सुबह सुबह और जॉगिंग करते हुए उसने एक किसी दूसरे आदमी को नोटिस किया जो कि उससे तकरीबन आधा किलोमीटर आगे था। उसने महसूस किया एंड ही गेस्ड कि ये जो आदमी है ये मुझे
थोड़ा सा स्लो दौड़ रहा है, तो उसको बड़ी खुशी हुई कि वाह कोई मुझसे धीरे दौड़ने वाला भी है। और उसने मन ही मन सोचा कि क्यों ना मैं आगे दौड़ूं और उसको पकड़ लूं या उसको क्रॉस कर जाऊं। सो ही स्टार्टेड रनिंग फास्टर एंड फास्टर, और कुछ ही मिनटों में वो उसके पीछे पहुंच गया। उसने थोड़ा सा और तेज़ दौड़ा और उसे आगे निकल गया, और फाइनली उससे जब आगे निकलने के बाद उसको बड़ी खुशी हुई कि वाओ आई बीट हिम। तो आफ्टर क्रॉसिंग हिम, जब उससे जीत गया, तो उसने सोचा कि इस पूरे प्रकरण में मैं कब कंपटीशन में घुस गया। एंड ही रियलाइज्ड कि इस कंपटीशन में उसने अपने घर को ही क्रॉस कर दिया, अपना घर ही पीछे छोड़ दिया। जो रास्ते की ग्रीनरी थी, खूबसूरती थी, वो भी उसने मिस कर दी। और जो सुकून जब वो दौड़ने गया था, जो उसके मन में था, उसको भी वो खो चुका था। तो व्हाट आई वांट टू से स्टूडेंट्स, कि जो हमारा कंपटीशन है वो हमारे खुद के साथ होना चाहिए, ना कि किसी और के साथ। हम अपनी बहुत सारी टाइम और एनर्जी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे भागने में गंवा देते हैं जो कि हमारा डेस्टिनेशन में हमें पहुंचने में रुकावट पैदा करती है, बाधा बनती है। और ये जो अनहेल्दी कंपटीशन है, दैट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल। हम हमेशा किसी न किसी से आगे रहेंगे और बहुत सारे लोग हमसे पीछे भी रहेंगे। बहुत सारे लोगों की हमसे बेहतर जॉब होगी, अच्छी गाड़ी होगी उनके पास, ज़्यादा बैंक बैलेंस होगा, एजुकेशन ज़्यादा हो सकती है, खूबसूरत बीवी हो सकती है, हैंडसम हस्बैंड हो सकता है, बेटर बिहेव्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं, उनकी लाइफ कंडीशंस और सरकमस्टांसेस हमसे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन एक रियलाइजेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है, दैट वी कैन बी द बेस्ट दैट वी कैन बी व्हेन वी आर नॉट कंपीटिंग विद एनीवन। बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में अटेंशन पे करते हैं कि कौन क्या पहन रहा है, कौन कैसी गाड़ी साथ में रखे हुए है, किस तरीके क्या बात कर रहा है लोगों से, और अपने ऑब्जेक्टिव से फोकस लूज कर देते हैं। तो बेटे, कि जो कंपैरिजन एंड कंपटीशन है ना, वो एक्चुअली हमारी खुशी को चुरा लेता है। इट किल्स द जॉय ऑफ लिविंग योर ओन लाइफ। सो वी मस्ट रन आवर ओन रेस दैट लीड्स टू पीसफुल, हैप्पी एंड स्टडी लाइफ। सी, आई एम नॉट सेइंग कि हम किसी को देख के सीखे नहीं, लेकिन वो सीखने की भावना कब रेस में बदल जाए उस पर हमें चेक रखना है। वो एक रेस और एक अनहेल्दी कंपटीशन में कभी भी कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी हेल्दी, इट शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइंग टू अस, और हमारी ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक का गौरव राष्ट्रीय गौरव में सन्निहित है। जो राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों व परंपराओं का निर्वहन करने में सफल होता है, वही राष्ट्र गौरवशाली होता है। और राष्ट्र सफल तब होता है जब उस राष्ट्र के शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सफल होते हैं। और शिक्षक को सदैव राष्ट्रहित, राष्ट्रभाव तथा राष्ट्र चरित्र निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। यही शिक्षक का उत्तम गुण है। मैं अमित सरोहा स्वयं को गौरवशाली मानता हूँ कि मैं डाइट केशवपुरम जैसे संस्थान का एक हिस्सा हूँ, जहाँ पर सभी संकाय सदस्य, सभी शिक्षक इन उत्तम गुणों से परिपूर्ण हैं तथा अपने प्रशिक्षणार्थियों को
राष्ट्रभाव, राष्ट्रचरित्र निर्माण तथा उत्तम जीवन मूल्यों के साथ एक उत्तम शिक्षक बनाने के लिए अथक प्रयासों में लगे रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कठोर परिश्रम, कवि स्वभाव है इनके व्यक्तित्व की आन बान और शान। विषम परिस्थितियों में भी होठों पर रहती है जिनके मुस्कान, वो है मित्र महान। I wish you all a very happy Teacher's Day. And on this auspicious day, I want to share a beautiful quotation by Dr. APJ Abdul Kalam, that is, if a country is to be corruption-free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are father, the mother, and the teacher. With this, I again want to congratulate to all of us that we are the change makers of our nation. चलिए इसके साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। भारती, आजकल टाइम टेबल भी नहीं आता ना? जिस टाइम टेबल के बिना हमारा दिन नहीं चलता था। टाइम टेबल के बिना भला कैसे कोई पढ़ता? टाइम टेबल का जिम्मा इन्होंने ही उठाया है। सुमन मैम ने रोज एक नया टाइम टेबल बनाया है। भारती, हमारी डाइट में नए टीचर आए हैं। कौन? अरे वो जो नए हैं आए फिर भी सबको लुभाए। श्रीवास्तव सर हैं हमारे, इनके बात करने का अंदाज ही निराला है। हिमांशी, परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाएं। हाँ चलो बढ़ाते हैं। तो बुलाते हैं नेहा को उनकी प्रस्तुति के साथ। मैं नेहा द्वितीय वर्षीय छात्रा प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष शिक्षक दिवस पर दोहों के साथ। जन्म दिए माता पिता, शिक्षक देते ज्ञान, शिक्षा कारण मिल रहा आज हमें सम्मान, आज हमें सम्मान। शिक्षक शिक्षा बाँटता, तरु दे जैसे छाँव, लो इनसे आशीष तुम छूकर इनके पाँव, छूकर इनके पाँव। शिक्षक जलते दीप सा, शिक्षा उसका नूर, अंधकार अज्ञान का करते ज्ञान से दूर, करते ज्ञान से दूर। गीली मिट्टी आंगड़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान, आप समर्थ बलवान। गुरु बिना ज्ञान ना होत है, गुरु बिन दिशा जान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बड़े ना शान, गुरु बिन बड़े ना शान। लघुता का विलोम गुरु जीवन का धार, गुरु गागर में सागर भरते करते बेड़ा पार, गुरु करते बेड़ा पार। गुरु नींव का पत्थर है जो करे राष्ट्र निर्माण, गुरु दीप की तरह
जल कर देते पुंज प्रकाश, देते पुंज प्रकाश। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं उनको जो डाइट के चहेते कवि माने जाते हैं, रोशन जो कि आ रहे हैं अपनी स्वरचित कविता के साथ अपने ही देसी स्टाइल में। जब थम सा गया था ये जहां, न जाने हम खड़े थे कहां। जब थम सा गया था ये जहां, न जाने हम खड़े थे कहां। हम इस सोच में डूबे थे कि अब पढ़ने जाएंगे कहां। तब आपने थामा था हाथ हमारा और कहा था अभी हम हैं यहां। आप ही तो हो जिसने इस कठिन समय से लड़ना सिखाया है। आप ही तो हो जिसने इस कठिन समय में भी लड़ना सिखाया है, इस कठिन समय में भी पढ़ना सिखाया है। आदत छूट गई थी पढ़ने वाली, उस आदत को अपनाया है, इस कठिन समय में भी पढ़ना सिखाया। अपने गुरु के मदद को कभी भुलाया नहीं जा सकता, अपने गुरु के मदद को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतने मदद है उनके, उनको कभी गिनवाया नहीं जा सकता। और जो इज्जत है गुरु के लिए मेरे दिल में, और जो इज्जत है गुरु के लिए मेरे दिल में, उसको शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता, उसे शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। परिस्थिति जो भी हो उनसे लड़ जाते हैं, परिस्थिति जो भी हो उनसे लड़ जाते हैं, परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। और जब ज़रूरत होती है एक छात्र को दोस्त की तो दोस्त बन जाते हैं, अब ज़रूरत होती है प्यार की तो माँ बाप बन जाते हैं। एक शिक्षक से बड़ा कोई कलाकार नहीं, एक शिक्षक से बड़ा कोई कलाकार नहीं। और जो रचते हैं देश की भविष्य को, उससे बड़ा कोई रचनाकार नहीं, उससे बड़ा कोई रचनाकार नहीं। और जब एक गुरु का शिष्य होता है अपने जीवन में सफल, तो एक गुरु के लिए उससे बड़ा कोई उपहार नहीं, उससे बड़ा कोई उपहार नहीं। शिक्षक बनना आसान है क्या, शिक्षक बनना आसान है क्या। इतने प्रश्न होते हैं एक बच्चे के, उनके जवाब देना आसान है क्या। अलग अलग रुचि के होते हैं सभी छात्र, उनकी रुचि को बनाए रखना आसान है क्या। सभी को साथ लेकर चलना आसान है क्या, शिक्षक बनना आसान है क्या। गुरु को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है कि गुरु नहीं करता कभी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव है। गुरु के समक्ष सब सम्मान है जैसे ईश्वर के समक्ष सब सम्मान है। जैसे ईश्वर हटते सबकी पीड़ा है, जैसे ईश्वर हटते सबकी पीड़ा है, वैसे ही गुरु अपने शिष्यों की सभी समस्याओं का कर्ता समाधान है। वैसे गुरु अपने शिष्यों की समस्याओं का कर्ता समाधान है। तभी तो गुरु महान है, तभी तो गुरु महान है। किससे कहानी नहीं है जिसे बुलाया जा सकता है, किससे कहानी नहीं है जिसे बुलाया जा सकता है। सभी गुरु मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, सभी गुरु मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। और अपने जीवन के अभिन्न अंग को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। बेहद सुंदर प्रस्तुति की, तो अब बात कर ले उनकी। किन की? जिन्होंने एजुकेशन सोसाइटी को समाज से जोड़ने का जिम्मा है उठाया, हर आयोग को डिटेल में है पढ़ाया। जेपी सर है ये, इन्होंने एजुकेशन एंड सोसाइटी को दिल से है अपनाया। भारती, तुझे तेरे फर्स्ट ईयर के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मिल गए? हाँ मिल गए। ओ, कितने अच्छे से संभाल के रखा था ना उन्होंने। हाँ, डॉक्यूमेंट संभालना बड़ी मुश्किल चीज है। और इस बात के लिए सैनी सर की दाग देनी पड़ेगी। ये सब तो ठीक है, अब वक्त आया है आप सबसे विदा लेने का। तो कार्यक्रम का समापन करते हैं अपनी इस आखिरी प्रस्तुति के साथ। जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो राह भर बने वही। वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही। कहना है एक बड़ा सा थैंक यू है सब कुछ towards me। रोज दिखाते जाए कुछ नया या दुनिया हाथों में रख दे। Thanks a lot, lots and lots, many ways just to say thanks a lot। सुबह
हो या शाम, चाहे जो भी हो काम, होगा पहले बस तुम्हारा नाम. Thanks a lot, lots and lots, many ways just to say thanks a lot. हर पन्ने पे हो एक नई कहानी, हर एल को हैप्पी हम करें, हर बात की दे दे छूट, हर दिन कोई तोहफा क्यूट, जो भी हो साथ ना छोड़ें.